हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं। आज है 2nd of May और आज हुआ है बैंगलोर में पहला बारिश। सो ये है इस साल का पहला बारिश। तो बारिश को एंजॉय करते हुए चलिए कुछ स्नैक्स बनाते हैं। आज मैं बनाऊंगी रवा सैंडविच। तो कृति को ना उपमा या मीठा सूजी कुछ भी पसंद नहीं था, तो मुझे लगा था अगर ये मैं बनाऊं तो शायद वो रवा खा ले। तो ये बनाने के बाद मैं फाइनली सक्सेसफुल हुई हूँ। उसको ये वाला सैंडविच बहुत पसंद है और मैंने स्टफिंग थोड़ा सा डाला है। अगर आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा करके भी डाल सकते हो, क्योंकि कृति को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट बच्चे थोड़ा सा अगर खा ले तो अच्छा रहता है। और समर वेकेशन पे जब बच्चे पूरे टाइम के लिए घर पे रहते हैं ना, तो इस टाइप का छोटा मोटा भूख तो उनको लगता ही रहता है। तो ऐसे ही मैं अपना जो कृति के साथ हॉलीडे है स्पेंड कर रही हूँ और टेस्टी टेस्टी खाना बना के उसको खिला रही हूँ, और उसको बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली उसको सैंडविच पसंद है, लेकिन वो उसका मन पसंद होना चाहिए। और उस दिन जब मैं फ्रिज को क्लीन कर रही थी ना, थोड़ा सा इडली राइस बचा हुआ था, तो उसी को मैंने पीस लिया है। और आज मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में डोसा और साथ में चटनी। और इतनी गर्मी में ना सुबह उठ के कुछ खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, इसीलिए कृति को मैं हैवी कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं देती हूँ सुबह। वो कोकोनट वाटर पीती है और साथ ही साथ सिम्बा भी जो मलाई रहता है ना वो खाता है, उसको बहुत पसंद है। मतलब सुबह अगर कोई भी कोकोनट खा रहा है ना तो उसको मलाई खाना ही है, और जो सॉफ्ट मलाई रहता है ना वो उसको ज़्यादा पसंद है। कभी कभार हार्ड मलाई होता है तो मुझे ऐसे तोड़ के उसको देना पड़ता है। और यहाँ पे ना मैं कोकोनट ऑनियन और बादाम की चटनी बना रही हूँ। नॉर्मली इसमें मैं कोकोनट बहुत कम ऐड करती हूँ। ये एक्चुअली कोकोनट की चटनी नहीं है, इसमें स्पाइसी बहुत ज़्यादा रहता है, बट मैंने यहाँ पे कम करके डाला है ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो। इतनी गर्मी में इतना स्पाइसी खाना भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा मैं इमली ऐड करूँगी इसमें, और बस ये चटनी के साथ ये डोसा ना बहुत बहुत टेस्टी लगता है। अभी ना मैं जो वॉशिंग मशीन से पानी निकलता है ना उसको थोड़ा सा स्टोर करके रखती हूँ। उसके बाद जो मैट वगैरह रहता है ये एक्चुअली सिम्बा बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो अल्टरनेटिव डे पे इसको मुझे क्लीन करना पड़ता है, तो उसी को मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ा टाइम के लिए भिगो के रख दूँगी ताकि ये थोड़ा बहुत क्लीन हो जाए, क्योंकि ये पानी गर्म है और गर्म पानी से जो मैट है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और इसको धोने के लिए ना बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत होती है, तो ये वाला पानी मेरा वेस्ट नहीं होता है, इससे मेरा ये छोटा मोटा काम हो जाता है। क्योंकि डेली लाइफ में ना पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा रहता है, और जितना भी क्राइसिस हो आप पानी का यूज़ कम नहीं कर सकते हो। तो जितना हो सके जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब अगर हम लोग उसका सही से इस्तेमाल करें, शायद हम लोग पानी का जो क्राइसिस है वो कम कर सकते हैं। जैसे हमारे अपार्टमेंट में ना जो एक्स्ट्रा पानी है उसका भी रीयूज़ होता है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये सब तो है ही, बट बैंगलोर की जो पानी का प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा है। और शायद बारिश अभी स्टार्ट हुई है, आई होप कि अच्छे से बारिश हो और ये क्राइसिस जो है बिल्कुल चली जाए।
और आज मैं लंच में बनाऊंगी लौकी की दाल। ये दाल ना मसूर के साथ बनाया जाता है, मतलब बचपन में मम्मी बनाती थी मसूर दाल के साथ, बट मैं मूंग की दाल के साथ बनाती हूँ क्योंकि अतनों को मसूर का दाल मैं नहीं देती हूँ, तो इसीलिए जब भी हम लोग दाल बनाते हैं मूंग की दाल ही ज़्यादातर बनाते हैं। साथ ही साथ मैं बनाऊंगी स्प्रिंग ऑनियन की सब्जी। ये सब्जी ना इतना इस टाइम पे अवेलेबल नहीं रहता है, बट लकीली हम लोगों को मिल गया था और वो भी बहुत ही फ्रेश, तो इसीलिए हम लोग लेके आ गए हैं। और इसको ना बैंगन आलू और ऑनियन के साथ बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है। साथ में बहुत ही सिंपल मसाला रहता है, धनिया, जीरा, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा मास्टर्ड पेस्ट। मास्टर्ड क्या है ना, इसमें टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और वेदर ना फिर से थोड़ा सा क्लाउडी हो गया है, अच्छा लग रहा है क्योंकि कल रात की बारिश के बाद ना गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आई होप थोड़ा सा बारिश हो जाए और वेदर चेंज हो जाए, पता नहीं क्या होगा। अतनु गया है ऑफिस, तो अतनु को मैं वही कॉल कर रही थी और अतनु ने बोला कि तुम बार बार क्लाउड को देख के नज़र मत लगाओ। और जब भी अतनु आता है ना, सिम्बा को पता चल जाता है, यहाँ आके बैठ जाता है और अतनु को देखता रहता है। सिम्बा को भी बारिश का मजा लेना है। सिम्बा ना आके ऐसे क्रीटी के पैर में बैठ जाता है। खूब मजा अतुल बोल रहा है नजर मत लगाओ, मैं देख के ही आ जाऊंगा। और बारिश के बाद ना थोड़ा सा राहत मिली है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वेदर अभी काफ़ी अच्छा है। बट कल रात में जो बारिश हुई थी ना उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, रात को बहुत मुश्किल हो रही थी। और जब भी ना धूप बहुत ज़्यादा होता है, बारिश होती है, तो मैं कारपेट वगैरह उठा के रख देती हूँ, फ्लोर को ऐसे क्लीन रखती हूँ ताकि पानी जो है वो निकल जाए, ड्रेन आउट हो जाए और मेरी कारपेट और कुर्सी ख़राब ना हो। कपड़े चेंज किया क्योंकि पसीने से मेरा कपड़ा पूरा भीग गया था और वो कपड़ा आवाज इतने बंद हो, तो मैंने ना कपड़ा चेंज किया क्योंकि पसीने से मेरा कपड़ा पूरा भीग गया था और वो अगर पहन के रहती ना तो मुझे कोल्ड और भी ज़्यादा हो जाता, क्योंकि मेरे गले में पेन है दो तीन दिनों से और इतना ज़्यादा पेन है मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने एक स्कर्फ भी लगा लिया है गले में, क्योंकि अच्छा तो लग रहा है और ये बहुत डेंजरस है मेरे लिए।